A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present admission of partner chapter is going on. अब हम बिल्कुल last step तक पहुँच चुके हैं, my dear student. Today we will learn that if this is a complete question that we have to prepare the revaluation account as well as we will prepare the partner's capital account also. Then first of all, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से बना के तैयार करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस पाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन मीन्स एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन. द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग. तो यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू डैट इफ द डिक्रीमेंट द एसेट्स, अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो डेफिनेटली यू शुड राइट इन द डेबिट साइड. आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे बिकॉज ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस कम्स इन द डेबिट साइड. टू साइड में जितने भी नुकसान होंगे आएंगे. माय डियर स्टूडेंट, अगर एसेट की वैल्यू घट रही है नुकसान होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फ़ायदा होगा. लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान होगा, और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो फ़ायदा होगा. दीज आर द फोर कॉन्सेप्ट ओनली. एसेट बढ़ना घटना, लायबिलिटी बढ़ना घटना, दिस इज़ द ओनली फोर पॉइंट्स. अगर इन चार बातों को आप समझ गए तो ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस शुड बी डेबिट. तो अगर हम कहते हैं लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट इज़ लॉस, इट विल कम इन द टू साइड. इफ द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग, इट इज़ लॉस, इट विल कम इन द डेबिट साइड. माय डियर स्टूडेंट, इफ विल से डेट द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग, दिस अ प्रॉफिट, तो इट विल कम इन द बाय साइड. एंड इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, देन दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट, देन इट विल कम इन द बाय साइड. माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे the revaluation account and some questions we have done, but in this concept we will learn that combinedly, jab hum combined banayenge that we will do the revaluation account as well as the partners capital account, to usko kis tarah se kiya jayega. Now we will come on the partners capital account, lekin partners capital account pe aane se pehle first of all we should see the balance sheet. My dear student, balance sheet mein this is a liability side and this is a asset side. और लायबिलिटी साइड में कुछ लायबिलिटीज़ की हम बात करना चाहेंगे आपसे. माय डियर स्टूडेंट, कौन सी लायबिलिटी की हम बात करना चाहते हैं? लाइक रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, दिस अ प्रॉफिट, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऑल रिजर्व, ऑल फंड्स एंड प्रॉफिट. माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे रिजर्व तो इसमें दे रखे हैं और एक प्रॉफिट भी इसके अंदर दे रखा है, बट देर इज़ नो एनी फंड. बट every reserve and every fund and every profit which come in the liability side, lekin thoda dhyan rakhein, it should be internal. Agar wo internal reserve hai, it should be distributed among the partners. Old partner mein distribute ho jayega, old ratio mein. Kab? Jab ek naye partner ka admission ho raha tha, us samay reserve saving kisne kari hai? Old partner ne. To wo old partner apne mein distribute kar lenge. Yahan par aate hain my dear student, yahan par inhone humne bata rakha hai pehle se. बैलेंस शीट में क्या नज़र आ सकता है आपको? लॉस एसेट साइड में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये नज़र आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, और गुडविल भी राइट ऑफ करनी होती है. गुडविल इज़ रिटर्न इन द एसेट साइड. तो अगर आपको गुडविल नज़र आती है या फिर आपको कोई लॉस नज़र आता है, कोई एक्सपेंसिव नज़र आता है, इट शुड कम इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आने चाहिए, और रिजर्व फंड और प्रॉफिट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे. माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम रिजर्व फंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनरिंग कैपिटल बढ़ेगी. पार्टनरिंग कैपिटल बढ़ेगी तो डेफिनेटली पार्टनर की कैपिटल होती क्या? कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज़ अ क्रेडिट. तो अगर उसे बढ़ाना है तो डेफिनेटली उसे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो ये आइटम, जितने भी आइटम्स हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएंगे. और माय डियर स्टूडेंट, एसेट साइड में जो भी आइटम आते हैं लाइक एनी लॉस, any goodwill, any expenses, it will come in the asset side. Asset side में जो है वो partners capital account की debit side में जाएंगे. My dear student, आपके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अलग bifurcate कर दिया है. Reserve fund and profit, these reserve fund and profit, these will go in the credit side of partners capital account. ये हमें liability side में मिलेंगे. और इसके बाद हम चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक इन द एसेट साइड. एसेट साइड में गुडविल एंड लॉस,
अगर एक्सपेंसेस गुडविल लॉस में मिलते हैं तो इट शुड बी कम इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड मानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से बना के तैयार करेंगे। एक माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द वे, क्या तरीका है, कहाँ से स्टार्ट करना है ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल, कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट। इसका मतलब ये जो बाय साइड क्रेडिट साइड है, यहाँ से ये प्लस होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अगर कैपिटल बढ़नी है तो बाय साइड में लिखना चाहिए आपको। और अगर आपको लगता है कैपिटल को हमें डिक्रीज करना है तो कैपिटल डिक्रीज होगी टू साइड से। इट्स मीन्स टू साइड में जो भी आइटम आएंगे वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। दिस इज अ बेसिक फंडा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एडमिशन क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस शीट में सपोज पार्टनर्स के नाम है ए बी एंड सी इज अ न्यू पार्टनर, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में कैपिटल मिलेगी, ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए और बी की कैपिटल मिलेगी। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट। तो सबसे पहले तो आपको उसे क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, किस नाम से, बाय बैलेंस बी डी, इस नाम से। और माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी करके ए और बी के कॉलम में टिक का मतलब है उनमें अमाउंट डाल देंगे, बट यहाँ पर क्रॉस का मतलब है बिकॉज सी इज़ अ न्यू पार्टनर, तो सी के कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी बिकॉज सी तो पार्टनर है ही नहीं अभी, सी तो बिजनेस के बाहर खड़ा है और सी वॉन्ट टू कम इन टू द पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन उसको आने से पहले हम चेक करेंगे कि लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व फंड प्रॉफिट तो नहीं है। अगर रिजर्व फंड या प्रॉफिट है तो वो भी ये ओल्ड पार्टनर का है, ए और बी का है, तो ए और बी इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ए और बी इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो डेफिनेटली ए और बी इसको अपनी कैपिटल में लेंगे, और कैपिटल में लेंगे तो भी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज माय डियर स्टूडेंट इस क्रेडिट साइड से ही इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जितने भी हमने आपको दिखाए हैं, जितने भी रिजर्व हैं, फंड है, प्रॉफिट हैं, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी माय डियर स्टूडेंट, ये हमें मिलेंगी लायबिलिटी साइड में। ये सब तीनों चीज़ें हमें मिलने वाली हैं माय डियर स्टूडेंट लायबिलिटी साइड में। तो अगर लायबिलिटी साइड में मिलती हैं तो हम रिजर्व फंड और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ए और बी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, बट न्यू पार्टनर को हम कुछ नहीं देंगे बिकॉज न्यू पार्टनर तो अभी बिजनेस से बाहर खड़ा है। दिस रिजर्व, दिस फंड, दिस प्रॉफिट इज नॉट द न्यू पार्टनर, ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम पार्टनर्स को देखते हैं कि वो क्या लेके आ रहा है। उससे पहले अगर हम लायबिलिटी साइड को कंप्लीट कर देंगे तो वी विल कम इन द एसेट साइड। जब हम बैलेंस शीट में हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद हम एसेट साइड में आएंगे। एसेट साइड हम सर्च करेंगे गुडविल लॉस एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर कुछ दे रखे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमें मिलते हैं तो डेफिनेटली इट शुड कम इन द डेबिट साइड टू गुडविल एंड टू लॉस। तो ये कहाँ मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ये हमें मिलते हैं एसेट साइड में। अगर ये एसेट साइड में मिल सकते हैं तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हम इसे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और न्यू पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, ना तो गुडविल का, ओल्ड गुडविल का, और ना लॉस का। तो ये पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इफ़ गुडविल इज़ अपियर्ड इन द बुक देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल। सबसे पहले हमें गुडविल को ख़त्म करना है, तो हमने इसकी जनरल एंट्री भी सीखी है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर गुडविल को राइट ऑफ करना देख रहे हैं कि अगर गुडविल अपियर्ड है लायबिलिटी साइड में, हमें गुडविल नज़र आ रही है तो हम उसे लिख देंगे यहाँ पर टू साइड में, तो गुडविल को राइट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम वर्क को कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद एडजस्टमेंट हम चेक करेंगे। इफ़ न्यू पार्टनर कम, अगर नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल का पैसा लेके आएगा, कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में हम बाय कैश या बाय बैंक करके लिखेंगे। और यहाँ पर पहली बार अमाउंट आएगी किसकी, एक नए पार्टनर की, बाकी में क्रॉस लगेगा और एक नए पार्टनर की पैसा आएगा। जब एक नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा। माय डियर स्टूडेंट, गुडविल के पैसे को प्रीमियम कहेंगे या प्रीमियम फॉर गुडविल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर गुडविल का पैसा लेकर आएगा, तो ये गुडविल का पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर नहीं कहना चाहिए हमें, सैक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सारा सैक्रीफाइस ए ने कराया तो सब ए को दे देंगे, बी ने करा तो बी को दे देंगे, और दोनों ने सैक्रीफाइस कराया तो दोनों को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। बट ये चीज़ प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो सैक्रीफाइसिंग पार्टनर में और सैक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बाकी पूरा क्वेश्चन हम ओल्ड रेशियो में कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम इन द बैलेंस शीट, क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, तो बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बैलेंस लेंगे, इसके बाद रिजर्व फंड और प्रॉफिट को सर्च करेंगे लायबिलिटी साइड से, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इतना काम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देन वी विल कम इन द एसेट साइड, एसेट साइड में गुडविल और लॉस लेंगे, और जो गुडविल लॉस हमें मिल जाएगा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर नीचे एडजस्टमेंट में आएंगे, एडजस्टमेंट में हम चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट एक नया पार्टनर कितना कैपिटल का पैसा लेकर आया और कितना गुडविल का पैसा लेकर आया, क्योंकि गुडविल का पैसा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, और कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा तो कैपिटल इंक्रीज़ कौन सी साइड से होगी माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली बाय साइड से इंक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड से ही इंक्रीज़ होगी, इसलिए बाय साइड में आया है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग फिर हम अब क्वेश्चन कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।